श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जीवनी सागर की तरह अथांग और विस्तृत है। शिरडी आकर बाबा के दर्शन करने के बाद भक्तों को परमानंद का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भक्तों को श्री साई बाबा की लीलाएं, जीवन चरित्र जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। इसी कारण हेतु शिरडी के प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत वाणी द्वारा बनाया गया साई जीवन चरित्र पेंटिंग म्यूजियम 15 सालों से भक्तों को निशुल्क सेवा देने का कार्य कर रहा है। बाबा की लीलाएं, कथाएं, भक्तों पर प्यार, दीन दुखियों पर कृपा दृष्टि, बाबा का जीवन चरित्र जानने, देखने तथा महसूस करने के लिए एक बार जरूर आए। गेट नंबर 3 के सामने साई कॉम्प्लेक्स मॉल, फर्स्ट फ्लोर, शिरडी। ओम साई राम। హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామండి షిరిడికి పొద్దున, దర్శనం బాగా అయింది. ఇక్కడ మేము మ్యూజియంకి వచ్చాము, కింద తెలిసాక మ్యూజియంకి వచ్చాము. ఇక సాయి చరిత్ర గురించి చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా బాగా అనిపించింది. గ్యాలరీ మాత్రం చాలా న్యాచురల్గా ఉంది. ఆ సాయిబాబా రియల్ ఐస్ గురించి మాకు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ బాగా చేశారు. దాన్ని మెడిటేషన్ కూర్చున్నాము, చాలా చాలా బాగా అనిపించింది ఫీలింగ్. దాని గురించి మా బాబు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము. ఇట్స్ నైస్, వెరీ గుడ్. డ్రాయింగ్ బుక్స్ ఇస్తున్నారు, 100 ఇయర్స్ తర్వాత డ్రా చేసిన పిక్చర్స్ ని కలర్ చేసి ఇస్తే మనకి ఒక సిల్వర్ పర్ల్ వస్తుంది. ओम साई राम. हम लोग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से आए हैं. अभी जस्ट हम मार्केट में विजिट कर रहे थे तो हमने साई गैलरी देखा यहाँ पे मेन मार्केट में. तो वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा साई जर्नी एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से. तो वो सारा जर्नी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द पेंटिंग्स, हैंडमेड पेंटिंग्स है, देन ऑयल पेंटिंग्स है. तो वो आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हो और बहुत यूनिक पेंटिंग्स यहाँ पे रखे गए हैं, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पर. थैंक यू. ఓం సాయి రామ్. మేము ఇక్కడ టెంపుల్కి విజిట్ చేసాము, షిరిడి టెంపుల్. ఆ పక్కనే ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఉంది, సాయిబాబా ఆర్ట్ గ్యాలరీ. చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి, చాలా బాగుంది. ఒకసారి అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయండి. ఇక్కడ సాయిబాబా రియల్ ఐస్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ మెడిటేట్ హియర్ ఫర్ 5 మినిట్స్. చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ అండ్ చాలా బాగుంది. ఒకసారి అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయండి. ओम साईराम. आज आम्ही म्हणजे मित्रपरिवार असे खूप आम्ही दरवेळेला शिर्डीमध्ये येत असतो वर्षातून 2-3 वेळा, पण या आर्ट गॅलरीला मी प्रथमच भेट दिली. ही इतकी खूप छान आर्ट गॅलरी आहे की इकडे एवढे पॉझिटिव्ह वाईब्स येतात. पण जी तुम्हाला मंदिरामध्ये शांती मिळते ती शांती आज इकडे मिळाली. मेडिटेशन रूममध्ये आम्हाला म्हणजे खरंच बाबांचं दर्शन झालं त्या 5 मिनिटामध्ये. आणि हे सर्व ही टीम खूप छान करते, खूप चांगलं आहे. येणाऱ्या पिढीला पण हे सांगतात की बाबांचा प्रवास कसा होता, कसं जीवन होतं बाबांचं. तर हे खूप छान आहे. मी आणि माझ्या सर्व मित्रांना, सर्व ऑफिस स्टाफ वगैरे सर्वांना मी सांगेन की इकडे नक्की भेट द्या. धन्यवाद. When I was walking on the road, so someone said to me that there was a science sai museum. So I was curiosity that I have to watch that museum, that you should also come here and take some participate on this museum and take some galleries, sculptures and photographs, and you feel spiritual and good for us. Thank you. बताना चाहती हूँ कि साई कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे ये गैलरी है और ये गैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और ये नेत्र जो मैं यहाँ से लेने आई हूँ, स्पेशली मैं पहले भी आ चुकी हूँ,
और ये आप सबको लेके जाने चाहिए। जो इसकी पॉजिटिविटी है वो आपके घर को बहुत ज्यादा शुद्ध करने वाली है। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, बाबा की पूरी लाइफ के बारे में पता चलता है। एंड यू हैव टू विजिट। দৰ্শন কৰিলোঁ, তাৰপাছত আমি চাই জীৱন চৰিত গেলৰিত আহিলোঁ। মানে ইমান ভাল লাগিল, ইমান ধুনীয়াকৈ ফটো মানে আৰ্ট কৰিছে, যিটো মানে মুখেৰে হয়তো মই মানে ক'ব নোৱাৰিম। আপোনালোকে যদি আহে, আপোনালোকে যদি নিজে চাই বাবাৰ এই ফটোবোৰ, তেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব যে এখন এখন ফটোৰ পৰা বাবাই মানে কি কৈ আছে, কি আমাক মেছেজ দি আছে, মানে মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। নমস্কাৰ, আমি অসমৰ পৰা আহিছোঁ, আমি অসমৰ তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ইয়ালৈ অহা আজি 3-4 দিনমান হৈছে। আমি বাবাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, দ্বাৰকামাই গ'লোঁ, সবাৰিলৈ গ'লোঁ। বাবাক ইমান বাবাৰ মৰম পাইছোঁ, ইমান মৰম পাইছোঁ যে আমি ইয়াৰ পৰা যাবৰ সময়ত আমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব। আৰু এতিয়া আমি চাই জীৱন চাৰিত পেইণ্টিং গেলাৰীত উপস্থিত আছোঁ। ইমান সুন্দৰ বাবাৰ ছবি অংকন কৰা দেখিছোঁ যে খুব জীৱন্ত, প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে ইমান জীৱন্ত ৰূপত তেখেতে আঁকিছে যে বাবাক আমি অনুভৱ কৰি আমাৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ। আৰু আমাৰ কি ক'ম আৰু, এয়াই বহুত ধন্যবাদ।